बंगाल क्रिकेट संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष बिश्वरूप डे ने सौरव गांगुली की अगुवाई वाले संघ की आलोचना की। उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच 22 जनवरी को खेले गए वनडे मैचों के टिकट आवंटन में विसंगति का आरोप लगाया। बिश्वरूप डे ने संवाददाता सम्मेलन में गांगुली की आलोचना की। उन्होंने गांगुली और ट्रस्टी बोर्ड चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व संयुक्त सचिव गौतम दासगुप्ता पर पारदर्शिता नहीं बरतने का आरोप लगाया। प्रशासन में 9 साल पूरे करने के कारण डे को कैप से बाहर होना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि दासगुप्ता और उनकी टीम ने अनैतिक तरीके से उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री टिकट का आवंटित कोटा नहीं दिया था। गांगुली ने हालांकि आरोपों का खंडन किया और कहा कि ईडन गार्डन्स में जब भी मैच होता है तब डे को हर बार प्रति मैच 200 से 300 टिकट मिलते हैं। उन्होंने कहा, वो हमेशा मुझसे 200 से 300 टिकट लेते रहे हैं, इसलिए उनके आरोप आधारहीन हैं। मैं इस पर आगे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सौरव गांगुली की कुर्सी भी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में खतरे में है।